मार्केट इक्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन टू जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो बेसिकलीफेक्टली मार्केट वेयर प्रोड्यूसर है तो हम हमारी हमने क्या बात की थी कि फार्मर आर बेसिकली बेसिकली प्रोड्यूसिंग देयर आउटपुट इन अ परिवर्ट फार्मर हैज नो कंट्रोल ओवर एन इंडिविजुअल फार्मर हैज नो कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चरल आउटपुट दैट इट प्रोड्यूस इन दार्केट और यहां पर जो भी प्राइस चार्ज करेगा फार्मर वो प्राइस होगी इक्विब्रियम प्राइस इक्लिब्रियम प्राइस दैट प्रिवेल्स इन द मार्केट जब हम कहते हैं इक्लिब्रियम प्राइस दैन दिस इज द प्राइस वेयर मार्केट डिमेंड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई अब जब यहां पर शिफ्ट इन डिमांड हो गया कि अब अगर इट

बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीज इन सप्लाई तो क्या होगा देअ इज ग्रेटर राइज इन मार्केट प्राइस एज कंपेयर टू द डिमेंड कर इलास्टिक हांजी जब आप हम इलास्टिक डिमेंड कर बात करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि इफ देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीज इन सप्लाई अगेन देयर इज राइज इन राइज इन मार्केट प्राइस लेकिन जो राइज इन मार्केट प्राइस होगा वो लेसर होगा एज कंपेयर टू डिमेंड कर दैट इज इन इलास्टिक अब इन्हीं चीज को लेबोरेट करने के लिए सपोज हम उसे पैटर्न पर हॉरिजेंटल एक्सिस पे क्वांटिटी ले रहे हैं और वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस लेकिन अब हम यहां पे करेंगे क्या हम यहां पे साइमल्टेनियस इंक्रीज करेंगे इन बोथ सप्लाई एंड डिमांड अब अगर हम एज्यूम करें कि देयर इज इंक्रीज इन डिमांड बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन डिमांड डिमांड कर शिफ्ट फ्रॉम डी ओ टू डी एन एंड एट द सेम टाइम देयर इज ऑल्सो इंक्रीज इन सप्लाई एंड बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन सप्लाई सप्लाई कर फ्राम एस ओ टू एस एन हाँ जी अंडर न्यू मार्केट कंडीशन अब इक्विब्रियम प्राइस क्या हो गई इक्लिब्रियम प्राइस इज पी ओ एंड इक्लिब्रियम क्वान्टिटी इज क्यू एन के बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमेंड एंड इंक्रीज इन सप्लाई इस्टुलर केस में क्या हुआ देर इज नो चेंज इन इक्लिब्रियम प्राइस लेकिन इक्लिब्रियम क्वान्टिटी आपकी इंक्रीज हो गई लेकिन ये कब ऑब्जर्व कब इस तरह का आप ऑब्जर्व करोगे कि देर इज नो चेंज इन प्राइस ओनली विल इंक्रीज ये आप उस कंडीशन में ऑब्जर्व करोगे जब शिफ्ट इन मार्केट डिमांड एंड शिफ्ट इन मार्केट सप्लाई इक्वल होंगी अब अगर इसी पैटर्न इसी को मैं इस पैटर्न पर डिस्कस कर दूं कि अगेन देयर इज शिफ्ट इन मार्केट डिमांड एंड शिफ्ट इन मार्केट सप्लाई लेकिन अब मेरी एजम्पन क्या है शिफ्ट इन मार्केट डिमांड इज लेस शिफ्ट इन सप्लाई हांजी मैं शिफ्ट इन डिमांड को यहां पर क्या इंडिकेट करीज इन डिमांड डिमांड कर Again, in demand. Demand अब अगर को मुझे इंक्रीज करना है तो क्या होगा शिफ्ट को आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि शिफ्ट इन सप्लाई करेटर दैन द शिफ्ट इन डिमेंड करेटर होगा या इंक्रीज इन सप्लाई इज ग्रेटर दैन इंक्रीज इन डिमांड तो उस सिचुएशन में क्या होगा आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज कर जाएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी इट विल इंक्रीज टू पी एन वाइल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मूव्स फ्रॉम क्यू नॉट टू क्यू एन अब अगर इसी चीज को मैं इस पैटर्न पर डिस्कस कर दू कि अगेन देअ आर साइमिलियस शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर आवर डिमांड इंक्रीजे और सप्लाई भी क्या हो रही है सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजे सप्लाई क्या करेगी सप्लाई विल डाउन विल मूव डाउनवर्ड अब अगर यहां पे मैं शिफ्ट का कंपैरिजन करूं बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई तो हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं शिफ्ट इन सप्लाई इज इज लेस देन शिफ्ट इन डिमांड हाँ जी तो अब यहां पर क्या आपके पास फिन ऑब्जर्व करोगे अगेन देयर इज इंक्रीज इन इक्विब्रियम क्वांटिटी लेकिन जब मैं इक्विब्रियम प्राइस की बात करता हूं तो इस केस में ये क्या हो गई देयर इज इंक्रीज इन क्म प्राइस अब एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इलास्टिसंटिटी दैट प्रिवेल इन द मार्केट हाँ जी मैं यहां पर दो डायग्राम आपको शो कर रहा हूं एक फिगर वन और एक फिगर टू फिगर वन में जो आपकी डिमांड करव है दैट इज रेलेटिवली इन इलास्टिक एज कंपेयर टू डिमांड कर्व दैट वी आर शोइंग इन फिगर टू अब अगर दोनों केसेज में हम सप्लाई में क्या कर रहे हैं देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई हमारे ओरिजिनल सप्लाई करव इज एस सो और न्यू सप्लाई कर्व क्या है एस सैन के बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई दोनों में हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं देयर इज डिक्रीज इन इक्लिब्रियम प्राइस एंड इंक्रीज इन इक्लिब्रियम क्वान्टिटी लेकिन आप अगर एक चीज अटेंटिव आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे जो आपकी इन इलास्टिक डिमांड कर्व थी वहां पे डिक्रीज इन प्राइस इज रिलेटिवली मोर देन द डिक्रीज इन प्राइस वेयर डिमांड इज इलास्टिक अब अगर मैं इसी चीज को आप कह लें जी रेप्लीकेट कर रहा हूं बाई कंसिडरिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई कर्व एक आपके पास सप्लाई कर्व इलास्टिक और एक आपके पास इन इलास्टिक जी दोनों डायग्राम्स में इव कंपैरिजन बिटवीन द सप्लाई कर्व तो मैं क्या ऑब्जर्व कर सकता हूं कि इन फिगर वन

इंक्रीज इन इंक्रीज इन इक्लिब्रियम प्राइस दैट दैट वी कैन ऑब्जर्व अ लॉन्ग इलास्टिक सप्लाई करव हांजी दोनों सिचुएशन में हुआ क्या एवर देर इज इंक्रीज इन डिमेंड देर इज इंक्रीज इन इक्लिब्रियम प्राइस एंड इक्लिब्रियम क्वान्टिटी लेकिन जो इंक्रीज इन इक्विब्रियम प्राइस आपके पास विद रेफरेंस टू इन इलास्टिक सप्लाई करव है दैट इज ग्रेटर दैन द इनक्रीज इन इक्लिब्रियम प्राइस जो कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं स टू इलास्टिक सप्लाई कर सारे को अब कह समर्न पे है कि जब हमने कहा देर इज राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड देर इज राइट वर्ड शिफ्ट इन मार्केट सप्लाई क्या ली देर इज साइम के बोर्ड डिमांड एंड सप्लाई कर बात करते हैं तो वहां पर होता क्या है वहां पर इनफैक्ट इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई हो रहा है सप्लाई हुआ बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई सब चीजों हमने क्या ऑब्जर्व किया देयर इज इंक्रीज इन इक्िब्रियम क्वांटिटी लेकिन जो आपके पास इंक्रीज इन प्राइस था उसका इंपैक्ट डिफरेंट था अगर शिफ्ट इन डिमांड इज इक्वल टू शिफ्ट इन सप्लाई था देन क्या था देर इज नो चेंज इन इक्लिब्रियम प्राइस विद रेफरेंस टू ओरिजिनल इक्लिब्रियम प्राइस और अगर शिफ्ट इन डिमांड इज ग्रेटर देन शिफ्ट इन सप्लाई था तो आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गई थी एट इंक्रीजेस और अगर शिफ्ट इन डिमांड इज लेस देन द शिफ्ट इन सप्लाई था देन क्या था आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज हो गई थी और इसी पैटर्न पे जब हमने बात की थी कि जी देयर आर राइटवर्ड शिफ्ट इन मार्केट डिमांड देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन मार्केट डिमांड अलोंग द गिवन सप्लाई कर्व तो वहां पे क्या हुआ था देयर इज इंक्रीज इन क्म क्वानिटीज इन डिमांड देयर इज इंक्रीज इन इक्लिब्रियम क्वानिटी लेकिन अगर आपके पास सप्लाई करीज इन सप्लाई होगा वो रेलिटिवलीस होगा इन इक्लिब्रियम प्राइस एज कंपेयर टू इंक्रीज इन सप्लाई इफ आवर सप्लाई कर फिर इसी पैटर्न पे अगर हम बात करें कि फॉर गिवन डिमांड कर डिमांड करो अपनी जगह पे आप कह लें देर इज नो चेंज इन डिमांड देर इज ओनली इंक्रीज इन मार्केट सप्लाई इफ देयर इज इंक्रीज इन मार्केट सप्लाई हाँ जी एक चीज कंफर्म है देर इज इंक्रीज इन यूक्म क्वांटिटी और जो आपकी प्राइसेस होंगी वो भी क्या होंगी प्राइसेस विल आल्सो डिक्रीज लेकिन जब विद रेफरेंस टू लास्टिक डिमेंड this decrease in prices is less than the decrease in price that we can observe with reference to in elastic demand curve